हे एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में। सो गाइस, मैं इस वीडियो में न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी, जो कि ऑयली स्किन वाले हमेशा ढूंढते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि उनकी स्किन से ऑयल को एब्जॉर्ब करे और स्किन को ड्राई पैची भी ना करे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ। तो ये रहा डर्मा को का 6% याला केलमाइन मेड फेस लोशन, और ये आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, साथ ही आपके ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है, जो कि 5% याला केलमाइन, 1% हियालुरोनिक एसिड कॉम्पैक्शन एंड 3% नियासिनमाइड के साथ में आता है, जो कि इसमें नियासिनमाइड तो एक्नी मार्क्स को कम करके इवन टोन देने में हेल्प करता है और आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट ब्लैक स्पॉट को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को बरकरार रखता है। और इसमें SPF 20 है, जो कि स्किन को UVA UVB देता है, और स्किन के हाइड्रेशन के लिए इसमें हियालुरोनिक एसिड है, जो कि स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस रखेगा, स्किन हेल्दी रखता है और स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देता। और यह डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और सल्फेक्स पैराबेन ड्राई एंड मिनरल ऑयल फ्री है, और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन नरिशमेंट देता है और आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और स्किन ड्राई भी नहीं होने देता, और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है और आपकी स्किन पे चिपचिपा भी नहीं करेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भारी चीज अपनी स्किन पे लगा रखा है। और गाइस, ये ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। अगर आप इसके साथ डर्मा कोका याला केलमाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करते तो आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और गाइस, अगर कोई से भी आप फर्स्ट बार प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका एक बार पेस्ट चेक जरूर कर लें, क्योंकि गाइस हर वीडियो में मैं एक ही रिकमेंड करती हूँ, यही रिकमेंड करती हूँ कि कोई से भी प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट बार तो उसका थोड़ा सा पेस्ट चेक जरूर कर लें। और गाइस, इसको आप अगर अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपकी स्किन शाइनिंग आ जाएगी, एक ग्लो इफेक्ट देगा आपकी स्किन पर और आपकी स्किन के एक्ने मार्क्स डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन पे एक इवन टोन देने में हेल्प करेगा। गाइस, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी स्किन को डायरेक्टली आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम को खत्म करेगा, नहीं, आपको इसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट करेगा और इसको आप एवरीडे स्किन केयर रूटीन की तरह फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आपकी स्किन के जितने भी एक्सेस ऑयल हो उसको भी कंट्रोल करता है, इवन स्किन देता है एंड मेड लुक ऐड करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है, मतलब कि अगर आपकी स्किन पे गड्ढी गड्ढा, जैसे कि आपकी स्किन पे कहीं कहीं दाने निकल जाते हैं और कहीं कहीं गड्ढे भी हो जाते हैं, तो इसको ओपन पोर्स, सो गाइस, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं है तो आप इसको इजिली ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, कोई से भी प्रोडक्ट लेने से पहले एक बार उसका पेस्ट चेक जरूर कर लें। सो गाइस, इसकी प्राइस की बात करूं तो 249 रुपीस इसकी MRP एंड 2 ईयर सेल्फ लाइफ के साथ आपको मिल जाएगा। अभी अवेलेबल है नायका, एमजोन एंड फ्लिपकार्ट पर, और इसकी कंसिस्टेंसी सुपर लाइट वेट है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और फ्रेग्रेंस फ्री, आप बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल हेल्पफुल लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी ऑन करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ इसका टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।